दोस्तों बेहद सीजन 3 आप लोगों के बीच में फिर से लौट रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, जेनिफर विगेट और साथ में सिवेन नारंग का शो यानी बेहद सीजन 2 समाप्त हो चुका है। उसके समाप्त होने के बाद ही मेकर्स ने फिर से डिसाइड किया है कि सोनी टीवी का सबसे पॉपुलर और सबसे हिट शो में से गिने जाने वाला शो बेहद सीजन 3 में एक बार फिर से लौटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीका से माया और रुद्र की लव स्टोरी अधूरी रह गई थी, बेहद सीजन 3 में अब एक बार फिर से रुद्र और माया की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। हालांकि माया की बात करें तो जेनिफर जिस तरीका से माया का किरदार निभाया था, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी अच्छा एक अभिनेत्री के तौर पर ये किरदार निभाया था। क्योंकि सीजन 3 की बात करते हैं, बेहद सीजन 3 में जेनिफर विगेट के साथ में फिर से रोमांस करते नजर आएंगे आखिर सिवन नारंग। और सिवन नारंग की बात की जाए तो सिवन नारंग ने भी इस शो के लिए हामी भर दी है, क्योंकि बेहद सीजन 3 का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी एक्टर्स की पहले से डिमांड थी। लेकिन जेनिफर के कहने पर, क्योंकि जेनिफर ने खुद ने चाहा कि सिवन नारंग एक बार फिर से बेहद सीजन में उनके साथ में रोमांस करते दिखाई दें, और वैसा ही होने जा रहा है। क्योंकि दर्शकों की काफ़ी टाइम से एक उम्मीद थी, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि बेहद सीजन 3 भी दिखाया जाए। क्योंकि सीजन 1 में आपने कुशल टंडन को देखा होगा, कुशल टंडन के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी जेनिफर विगेट की। लेकिन सीजन 2 में जिस तरीका से आशीष चौधरी के बेटे का किरदार निभा रहे थे, रुद्र का किरदार निभा रहे थे सिविन नारंग, उसी तरीका से एक बार फिर से बेहद सीजन 3 के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं जेनिफर विगेट उर्फ माया। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिविन नारंग यानी आपके फेवरेट रुद्र फिर से जेनिफर विगेट के साथ में सीजन 3 यानी बेहद सीजन 3 का प्रमो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आ जाएगा। फीस की बात करें तो मेकर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी मोटी फीस दी गई है जेनिफर विगेट और सिविन नारंग को। हालांकि जेनिफर विगेट और सिविन नारंग एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। सिविन नारंग एक ऐसे एक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं टेलीविजन के काफ़ी महंगे और काफ़ी अच्छे एक्टर्स में से भी शुमार हैं। जितने अच्छे वो एक्टर हैं इतने अच्छे एक इंसान भी है। जेनिफर विगेट के साथ में उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि लोगों को जेनिफर विगेट और सिविन नारंग की बॉन्डिंग शुरू से ही काफ़ी लाजवाब और काफ़ी पसंद आई थी। एक बार फिर से जेनिफर विगेट और सिविन नारंग एक दूसरे के साथ में रोमांस करते नजर आएंगे। वहीं पर बात करते हैं सिविन नारंग के अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो फिलहाल में इन दोनों के पास में ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी खास प्रोजेक्ट है, जो कि काफ़ी टाइम से ये दोनों इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, बेहद सीजन 3 में आशीष चौधरी की एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि आशीष चौधरी ने बेहद सीजन 3 के लिए मना कर दिया। लेकिन एक बार फिर से जेनिफर के साथ में सिवन नारंग रोमांस करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं बात करते हैं सिवन नारंग और जेनिफर की, तो इन दोनों की जिस तरीका से टेलीविज़न पर बॉन्डिंग देखने को मिली थी, काफ़ी सुपरहिट बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जो कि लोगों ने इनकी बॉन्डिंग को काफ़ी पसंद भी किया था। और एक बार फिर से जेनिफर के साथ में सिविन नारंग अपने उसी पुराने अंदाज में और जेनिफर उसी पुराने अंदाज में दोनों एक दूसरे के करीब आते दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे बेहद सीजन 3 को लेकर कि आखिर बेहद सीजन 3 आएगा या नहीं आएगा, ये कंफर्म करा दीजिए। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि बेहद सीजन 3 आप लोगों के बीच में फिर से लौट रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो सलमान खान का शो यानी बिग बॉस 14 से भी सलमान खान के शो से जेनिफर विगेट और सिविन नारंग को बिग बॉस 14 का ऑफर मिल चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जेनिफर विगेट के पास में है। आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही बेहद सीजन 3 का प्रमो आएगा मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करा दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए। और लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब।